हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है और हम लोग अभी बाहर से राखी परचेज नहीं कर सकते, तो आज मैं सिखाऊंगी आपको मौली से और मोतियों से राखी बनाना, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी बना सकता है। और मोती और मौली सबके घर में होती है। सो हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने 3 लंबी लंबी मौली ले ली हैं, मौली के धागे ले लिए हैं, देखिए इस तरह से। और थोड़ा सा गैप छोड़ के मैं यहाँ पर एक नॉट लगा लेती हूँ। ये मेरे पास कार्डबोर्ड भी रेड कलर का है, तो मैं इसके नीचे एक शीट से आपको बताऊँगी, क्योंकि हमारी मौली भी रेड कलर की है। चलिए इसे हम यहाँ पर लगा लेते हैं अपने कार्डबोर्ड पे, ताकि हमारा धागा खींचे ना और टाइट रहे। चलिए मैं अब आपको नीचे शीट लगा के बताती हूँ। हमने 3 हिस्से किए हैं मौली के, और देखिए जो लेफ़्ट वाला है उसको सेंटर वाले के ऊपर लेना है और नीचे से निकालना है। ऐसे ही साइड वाले को ऊपर से लेके नीचे से लगाना है, जैसे हम गांठ लगाते हैं सेम वैसे ही। पहले एक साइड से ऊपर से लेना है, नीचे से निकालना है और इसे खींचना है। फिर दूसरी साइड से ऊपर से लेके नीचे से निकाल के नॉट लगा के उसको खींचना है। इसी तरह से हम 4-5 टाइम्स करेंगे, देखिए इस तरह से। आई होप ये बहुत ईजी लग रहा होगा आपको। ध्यान से देखिएगा हमने इसे कैसे खींचना है। सेंटर का थ्रेड का ध्यान रखिएगा, वो सेंटर में ही रहे। और इसी तरह से हमने 4 या 5 टाइम्स पे इसे सिंपल विदाउट मोती करना है। देखिए इस तरह से आप करते रहें। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस राखी को बनाना, क्योंकि ये बहुत ईजी है। और मैं यहाँ पर 7 मोतियों का यूज़ करूँगी, तो ये बहुत ही अच्छी हमारी राखी बनेगी मौली और मोतियों से। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा सेंटर का मौली थी मेरी, उस पर मैंने उसके पॉइंट पे मैंने फेविकॉल लगा दिया, ताकि वो हमारी एक निडल का काम करे मोतियों को पिरोने में। जब आप फेविकॉल लगा देंगे तो वो बिल्कुल वो टाइट हो जाएगी और मोती आराम से पिरोए जाएंगे। सेंटर वाले में मोती पिरोया और वही प्रोसीजर हमने करना है। लेफ़्ट वाली को लेना है ऊपर से, नीचे से निकालना है, फिर साइड वाली को लेना है ऊपर से और नीचे से लगा के नॉट लगानी है। अब फिर वही प्रोसीजर होगा, आपको सेंटर वाले में मोती पिरोना है। देखिए इस तरह के आप छोटे बड़े मोती अपने हिसाब से ले सकते हैं, और इससे आप कान्हा जी के लिए भी बहुत सुंदर राखी बना सकते हैं इसी प्रोसीजर से। देखिए हर एक मोती को आपने नॉट लगा के दोनों तरफ से बंद करना है। इसी तरह से मैंने 1 by 1 यहाँ पर 7 मोती पिरोए हैं। देखिए भाई, यहाँ से आपको निडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप आगे फेविकॉल लगा देंगे। इसी तरह से आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करते रहें और एक बहुत सुंदर सी आपकी राखी बनके तैयार हो जाएगी। एक और मोती मैं आपको बता देती हूँ, साइड वाला ऊपर से नीचे से लेना है, ऊपर से लेके नीचे से नॉट लगानी है, फिर दूसरी साइड का लेना है, ऊपर से निकालते हुए नीचे से नॉट लगानी है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर मैंने 7 मोती पिरो दिए हैं, और फिर वही जो मैंने ऊपर किया था एक साइड से लेना है, और मोतियों के बिना इसे हमने ये पैटर्न बनाना है। बिना मोतियों के जैसे हमने ऊपर 4-5 टाइम्स लिया था, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम नीचे भी करेंगे। 4-5 टाइम्स इसको नॉट लगाएंगे, और फिर जितना हमने ऊपर पोर्शन छोड़ा था उतना छोड़ के मौली को तोड़ देंगे और नॉट लगा देंगे, जिससे कि हमारी दोनों तरफ से बराबर की एक बांधने के लिए रेडी हो जाएगी। देखिए ये एक्स्ट्रा जो है उससे बराबर कर दिया, और फिर यहाँ नॉट लगा दी, और हमारी बहुत प्यारी मौली और मोतियों से बनी हुई राखी रेडी हो गई है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, और अपने भैया के लिए बनाइएगा, और अपनी भाभी के लिए भी ये बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को सबके साथ।